वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टुडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु रामदास जी इन राग सुही अंग 775 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। लेट्स रीड इट, अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सुही चंत महल्ला चौथा कर तीजा एक्युंकार सतगुरु प्रसाद। आवो संत जनो गुण गाव गोविंद केरे राम। कम हम्बल सेंट्स एंड सिंग द ग्लोरियस प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। गुरमुख मिल रही है कर वाचे सबद कनेरे राम। लेट्स गैदर टुगेदर एज गुरमुख विद इन द होम ऑफ आवर ओन हार्ट। द शब्द वाइब्रेट्स एंड रेजोनेट्स। सबद कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। द मैनी मेलोडीज ऑफ द शब्द आर योर्स ओ लॉर्ड गॉड। ओ क्रिएटर लॉर्ड यू आर एवरीवेयर। नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट टुडे। टुडेज हुक्मनामा इज अ ब्यूटिफुल डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इन ग्रैटिट्यूड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ साध संगत। एक मजदूर होता है, किसी के घर काम कर रहा होता है, वो जो हाउस लेडी होती है उससे पानी मांगता है। नाउ दैट्स अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। वो उसको पानी देती है और फिर वेट करती है कि शायद इसको और पानी चाहिए हो। पूछती है और पानी लोगे, क्योंकि काम बड़ा हार्ड होता है, गर्मी बहुत होती है। तो वो कहते हैं हाँ थोड़ा सा और पानी दे दीजिए। उसको और पानी देती है। उसके बाद देखती है कि वो जो मज़दूर है हाथ जोड़ के आँखें बंद करके कुछ बोल रहा है। कुछ टाइम बाद मज़दूर के खाना खाने का टाइम आता है, तो वो लंच करता है। उसके बाद वही जेस्चर को वो रिपीट करता है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कुछ बोलता है। अब लेडी से रहा नहीं जाता तो उससे पूछती है कि ये क्या करते हो तुमने पानी पीने के बाद, फिर तुम खाना खाने के बाद। वो कहता है कि मैं उस खुदा को धन्यवाद करता हूँ, आई थैंक द ऑलमाइटी कि उसने मुझे फ्रेश खाना दिया, फ्रेश पानी दिया, आप जैसे अच्छे लोग आसपास दिए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया, और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे काम करने की स्ट्रेंथ दी। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। तभी वो लेडी ये रियलाइज़ करती है कि इतना कुछ होते हुए भी हमारे पास, हम लोग बहुत सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा मॉनेटरी गेन्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और इस मज़दूर को देखो, वो कितना पीसफुल है, उसके मन के अंदर कितनी शांति है, और वो जब काम करता है तो कितने मज़े से अपना काम करता है। ऑल दो द वर्क इज़ वेरी हार्ड और उसको उसके बदले में जितने भी पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। सो देन लेडी रियलाइजेज दैट ही इज़ मच मच मोर पीसफुल देन वी पीपल जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो हैं बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड। देन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साध संगत। जब हम शब्द पढ़ते हैं, स्पेशली साध संगत में बैठ के इकट्ठे शब्द पढ़ते हैं, तब क्या होता है दैट हमारे बीइंग में शिफ्ट आती है। बिकॉज इट्स साइंटिफिकली प्रूवन दैट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अवर नर्वस सिस्टम। और वो जब इतना इम्पैक्ट होता है हमारे बीइंग में शिफ्ट आती है, वी आर बीइंग मोर पीसफुल, मोर हैप्पी, वी आर बीइंग चेयरफुल, वी आर बीइंग इनर्जेटिक, एंड देन देयर इज़ अ शिफ्ट इन आवर एक्शंस। एक पीसफुल इंसान कैसा एक्शन लेगा और एक डिस्टर्ब्ड इंसान कैसा एक्शन लेगा, यू कैन वेल इमेजिन द डिफरेंस। सो व्हेन वी आर बीइंग मोर पीसफुल, वी आर बीइंग मोर इनर्जेटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमारे एक्शंस में फ़र्क आता है। एक्शंस में जब हमारे फ़र्क आता है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क आता है। तो आज इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, दैट बी थैंकफुल। जितना थैंक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट थैंक यू मोर एंड मोर, एंड बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी थिंग। वेन यू प्रैक्टिस अफर्मेशंस दैट आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई हैव एवरी थिंग, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी थिंग, जब हम इन अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं, वी क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस। एंड वेन वी क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड अस,
हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी शिफ्ट होता है, और जब इन्वायरमेंट शिफ्ट होता है तो जितने भी हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव शिफ्ट आती है। तो आज इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।